हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है ना डॉट कॉम। आई एम नीमा डोबरियाल। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक कीजिए और आप उन पर कमेंट भी कर सकते हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस फ्यूचर में ईमेल के थ्रू मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस आप हमें फेसबुक और ट्विटर के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें ब्लॉगर के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी साइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारी साइट है www.asanhaina.com। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में किया था एंट्रीज रिलेटेड टू CST। इस लेक्चर में हम वैल्यू एडिड टैक्स मेनली पढ़ेंगे। वैल्यू एडिड टैक्स एक्चुअल में होता क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स कोई भी ऐसा टैक्स जो चार्ज किया जाता है सेल्स पे, अगर हम अपने राज्य के अंदर सेल करते हैं, विक्रय करते हैं, उस पे जो भी टैक्स चार्ज किया जाता है वो आपका है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स अगर हम परचेज पे देंगे और उसी वैल्यू एडिड टैक्स को अगर हम एडजस्ट करेंगे, जो भी वैल्यू एडिड टैक्स हमने सेल करते हुए कलेक्ट किया है, इसको जब हम आपस में एडजस्ट करते हैं, इसी एडजस्ट किए हुए सेल्स टैक्स को हम गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। अब आप ये देखिए, दो टाइप के होते हैं। अगर हम वैल्यू एडिड टैक्स को पे करेंगे तो वो हमारी असेट के रूप में होगी, क्योंकि आप ये देखिए, हमने वैल्यू एडिड टैक्स पे किया, ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स हमारा पे हुआ है। अगर हम उसको सेल करेंगे गुड को, तो हम उस पर भी तो वैल्यू एडिड टैक्स लगाएंगे ना, हम फर्दर सेल करेंगे गुड को, तो वो हमारे एक असेट के जैसे ट्रीट की जाएगी, जो भी हमने वैल्यू एडिड टैक्स पे किया है। अब जो भी हमने वैल्यू एडिड टैक्स कलेक्ट किया है वो एक लायबिलिटी मानी जाएगी बिजनेस के लिए। क्यों लायबिलिटी मानी जाएगी? क्योंकि जो भी उसने वैल्यू एडिड टैक्स कलेक्ट किया है वो उसको फर्दर गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है। और जो भी इनके बीच में डिफरेंस होता है, अगर जो हमारा वैट कलेक्टेड अकाउंट ज़्यादा होता है वैट पेड अकाउंट से, तो जो भी इनके बीच में डिफरेंस है वो हमें गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, जो भी बैलेंस आपका वैट पेड अकाउंट अगर वैट कलेक्टेड अकाउंट से ज़्यादा है, मीन्स अगर जो भी आपने पे किया है वो ज़्यादा है कलेक्ट करने से, तो आपका जो भी अमाउंट है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि आपका रिकवरेबल है। जो आपका CST है वो आपका नॉन रिकवरेबल है और ये आपका रिकवरेबल है। इससे रिलेटेड हम डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज पास करेंगे। अब इनसे रिलेटेड एंट्री आपका क्या है? अगर वैट पे करेंगे परचेज के टाइम पे, तो उससे रिलेटेड क्या एंट्री होगी आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि इस टाइम पे हम पैसे पे करेंगे, तो पैसे पे करेंगे तो हमारे लिए लॉस हुआ, इसलिए परचेज अकाउंट हुआ डेबिट। पेड अकाउंट, वैट पेड अकाउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि हमने वैट पे करना है, तो वो जो भी हम पे करते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में हमारा डेबिट हो जाता है, तो वैट पेड अकाउंट भी डेबिट होगा। और जो कैश अकाउंट है जो क्रेडिटर को मिला है, या आपका बैंक अकाउंट है या क्रेडिटर अकाउंट है, वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट है तो मीन्स आपने कैश में पेमेंट की है। बैंक अकाउंट है मीन्स आपने चेक के थ्रू किया है, तो बैंक में पेमेंट की है। अगर क्रेडिटर अकाउंट है मीन्स आपने क्रेडिट में उसको परचेज किया है, तो वो अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, अगर आप वैट कलेक्ट कर रहे हो सेल के टाइम पे, तो उससे रिलेटेड आप क्या एंट्री करोगे? आपको वैट कलेक्ट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, मीन्स कैश तो आपके पास से गया है, सेल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा और आपका वैट कलेक्टेड अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि जिसने भी परचेज किया है उसके पास से पैसा गया है, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट से, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और जो भी आपने कलेक्ट किया है सेल अकाउंट, वो सेल्स में कलेक्ट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी आपने वैट कलेक्ट किया है सेल के टाइम पे, परचेज के टाइम पे तो आप पे करोगे तो वो डेबिट हो जाएगा, सेल के टाइम पे वो उल्टा हो जाएगा, जो वैट कलेक्ट अकाउंट है वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। Okay guys, keep learning.